दोस्तों कैसे आप सभी, आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों अभी के सिनेरियो में अगर आप देखेंगे तो आईसी इंजन और जिसको हम बोलते हैं पेट्रोल इंजन वाली जो गाड़ियाँ होती है उनका जो प्राइस है, एक्चुअल जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। सेकंड जो चीज़ है वो है पेट्रोल प्राइस की जो हाइक है वो अभी भी ज़्यादा ही है। और तीसरी चीज अगर मैं बात करूं वो है जो मटेरियल यूज़ हो रहा है पेट्रोल इंजन गाड़ियों में वो काफ़ी लाइट यूज़ हो रहा है। मतलब जैसे पहले हैवी मटेरियल यूज़ होता था अभी काफ़ी लाइट यूज़ हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ चुकी है, इस कारण से जो व्हीकल्स के प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और दूसरी तरफ पेट्रोल की मार तो पड़ी रही है एक कंज्यूमर को। तो ऐसे में क्या हो रहा है, लोग कन्वर्ट हो रहे हैं अपने आईसी इंजन से इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ, और ऐसे में लोग ढूंढ रहे हैं ऐसी व्हीकल जिसका रेंज काफ़ी बेहतर हो। तो ऐसे में कुछ ऑन गोइंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है जो आप चेकआउट कर सकते हैं, जिसका मैं बात करता हूँ आज इस वीडियो में, जो आपको देसी भी मिलती है कुछ हाई टेक्नोलॉजी के साथ भी देखने को मिलती है। सबसे पहले तो आपको पता ही होगा कौन सी गाड़ी है, दैट इज ओला S1 Pro। फिलहाल इसकी नेक्स्ट बुकिंग स्टार्ट नहीं हुई है और जो पुराने कंज्यूमर्स है उनको ऑलरेडी ये व्हीकल मिलना स्टार्ट हो चुकी है। बहुत अच्छी व्हीकल है, डिजाइन वाइज बहुत अच्छा है। अगर आपको प्रैक्टिकल गाड़ी नहीं एक फ्यूचरिस्टिक गाड़ी चाहिए देन दिस इज द व्हीकल जो आप ले सकते हैं। 125 केजी की है, 58 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, रेंज एक्चुअल में 135 किलोमीटर है, मोटर 8.5 का आपको किलोवाट का मोटर देखने को मिलता है, वो भी पीक पावर आउटपुट है। यहाँ पे एलुमिनियम अलॉयज है, यहाँ पे ट्यूबलेस टायर्स है एंड ये गाड़ी आपको अच्छी खासी रेंज प्रोवाइड कर देता है। सेकेंड जो आप इस मार्केट में देख सकते हैं वो बैनलिंग ओरा, ये 2019 में आई थी इंडिया में, ब्रांड बहुत अच्छा है। कुछ व्हीकल्स है इसके जो आप चेकआउट कर सकते हैं, उसमें से ओरा एक अच्छी है, एक हाई स्पीड स्कूटर है। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और भी है बैनलिंग कंपनी के पास। फिलहाल अगर मैं ओरा की बात करूँ ये अच्छा खासा रेंज क्लेम करती है, 120 किलोमीटर इको मोड पे 2.5 किलोवाट का मोटर देखने को मिलता है एंड 60 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड देखने मिलती है। प्राइसिंग आप इंटरनेट पे देख लेना, प्राइसिंग में बात नहीं करूंगा। फिलहाल मैं बात करता हूँ कि कौन कौन सी व्हीकल आप देख सकते हैं अगर आप आईसी इंजन इन कंपनियों में अगर शिफ्ट करना है इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियों पे, तो ये सारे व्हीकल्स आप चेकआउट कर सकते हैं। एक और गाड़ी है जिसका नाम है ओकिनावा आई प्राइस। फिलहाल इस गाड़ियों को और जो बैनलिंग है इन गाड़ियों को लोग चाइनीज गाड़ियां बोलते हैं। वेल चाइनीज एक्चुअल में गाड़ी नहीं है, बैटरी एक्चुअल में चाइना और ताइवान से इंपोर्ट होता है। तो कौन सी कंपनी कौन सी बैटरी यूज कर रही है ये तो आपको कंपनी से ही पता चलेगा। फिलहाल जो डिजाइन है वो तो इनका खुद का ही होता है, ओकिनावा का भी खुद का ही डिजाइन है। तो यहाँ पे डिजाइन इनका है, बस बैटरी की कंफर्मेशन की थोड़ी डाउट होती है। ओकिनावा की बात करते तो ये बहुत समय पहले से इंडियन मार्केट में है, लाइक बैनलिंग की तरह नहीं, ओकिनावा एक अलग ही कहानी है। ये काफी वेल एस्टेब्लिश डीलरशिप नेटवर्क भी है इनका पूरे कंट्री में। आई प्राइस की बात करता हूँ ये 139 किलोमीटर का रेंज प्रोवाइड करती है, 3.3 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी दी गई है, 1 किलोवाट आवर की BLDC मोटर दिया गया है, पीक आउटपुट है 2.5 किलोवाट एंड 1.09 लैक्स की है। ये हाई एंड व्हीकल माना जाता है। एक और व्हीकल आती है हीरो इलेक्ट्रिक की, वो है NYX HX। ये बेसिकली ऐसी स्कूटर है जो यूज करते हैं कमर्शियल यूज के लिए, क्योंकि यहाँ पे प्राइस कम है रेंज अच्छा है। प्राइस लाइक 62,954 रुपीज, बहुत ही प्रैक्टिकल है, कॉम्पैक्ट है, हाई स्पीड प्रोडक्ट है। यहाँ पे 1.53 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी दी गई है जो कि 4 से 5 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है, 42 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड है। तो ये भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं अगर बजट टाइट है तो। इसके बाद आता है एक व्हीकल जिसका नाम है सिंपल एनर्जी सिंपल वन। बहुत पेंडिंग हो चुका है, सबसे ज्यादा रेंजेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर इसको ही माना जा रहा है। कंपनी ने क्लेम किया था 236 किलोमीटर और जो एक्चुअल रियल वर्ल्ड माइलेज इन्होंने निकाला है वो 203। आशा करता हूँ कि इतना ही रेंज मिले तो बहुत अच्छा लगेगा। अनलाइक ओला बताया कुछ मिला कुछ और एंड बाद में उन्होंने अलग अलग जगह पे फिर अपडेट करना स्टार्ट कर दिया वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको 4.8 किलोवाट आवर की बैटरी पैक मिलती है, म्यूजिक कंट्रोल, GPS, जियो फेंसिंग सारी चीजें देखने को मिलती है। 13 सिटीज में स्टार्टिंग में ये लॉन्च करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे एक्सपांड करेंगे। उसके बाद आती है ओडिसीज हॉक प्लस। ओडिसीज भी अच्छी कंपनी है,
एंड यहाँ पे आपको 170 किलोमीटर का रेंज मिलती है हॉक प्लस में, ऐसा कंपनी क्लेम करती है, बट एक्चुअल में यहाँ पे आपको थोड़ा सा कम ही देखने को मिलता है। 1.8 किलोवाट का यहाँ पे इंजन दिया गया और बोल सकते हो मोटर दिया गया है, एंड 45 किलोमीटर का यहाँ पे टॉप स्पीड देखने को मिलती है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आती है। एंड इस लिस्ट में एक और व्हीकल है, दैट इज एथर। बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है एथर की, एंड यहाँ पे सर्विस नेटवर्क भी बहुत अच्छा है, डिजाइन बहुत ही बेहतर है, लेकिन हाँ रेंज की कमी है इस व्हीकल में। इतना पैसा देके अगर आपको रेंज कम मिले तो मैं ये किसी को भी सजेस्ट नहीं करता हूँ, एटलीस्ट 120 होना चाहिए था इसमें, तो मैं हर किसी को सजेस्ट करता फिलहाल इसलिए नहीं कर रहा हूँ। जब तक सिंपल वन नहीं आती तब तक मैं ओला को ही मैं लोगों को रेफर करने बोल रहा हूँ, अगर प्राइस इतना है तो। अगर सिंपल वन आती है तो मैं उसको चेक करके फिर ही मैं सजेस्ट करूंगा। बस इतना ही अपडेट था, बस इतना ही था इस वीडियो में। आप लोग अगर आईसी इंजन से इलेक्ट्रिक व्हीकल में शिफ्ट कर रहे हैं तो इन व्हीकल्स को एक बार चेकआउट करिएगा। इसके अलावा भी व्हीकल्स है बट ये थोड़े रेंज अच्छे वाले व्हीकल्स है। और काफी लोग बोल रहे थे कि बजाज चेतक के बारे में क्यों नहीं बताता, वेल दोस्त बजाज चेतक ऐसा है कि लिमिटेड एरिया में ही वो व्हीकल बिकती है, साथ ही साथ प्राइस काफी हाई है और रेंज काफी कम है, बट ये है कि बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये मैं मानता हूँ, बट फिर भी लिमिटेड ही है वो व्हीकल और इंडिया में बहुत ही कम सेल होती है। और TVS iQube इसलिए यूज नहीं कर रहा कि भाई वो तो बिल्कुल ही खत्म ही गाड़ी है, उसको मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करता हूं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, अच्छा तो प्लीज शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।